अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के भेद यानी कि संज्ञा के प्रकार के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। बच्चों, संज्ञा के प्रकार बहुत ही आसान होता है, आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाओगे। कोई चीज़ हमें कठिन कब लगती है? जब तक हम उसे समझे नहीं होते हैं। अगर एक बार आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा और आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को आप समझने की कोशिश करो। जब आप समझ जाओगे तो अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के जो हैं वो 5 प्रकार होते हैं। पहला जो है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। तो पहला जो प्रकार है जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। एक एक संज्ञा को आप अच्छे से समझो, एक बार समझ लोगे तो आपको पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, पहले आप ऐसे समझो। संज्ञा के जिस शब्द से पूरे जाति का पता चले, संज्ञा के जिस शब्द से पूरे जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी आपको जो मैं मीनिंग पढ़ा शायद समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगी, लेकिन जब आप उदाहरण देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहाड़ लिखा है, तो पहाड़ का मतलब क्या होता है? जब मैंने पहाड़ बोला तो पहाड़ एक क्या है? शब्द है ना, संज्ञा है पहाड़। तो उससे हमें क्या हो रहा है? जाति का पता चल रहा है। जब मैंने पहाड़ बोला तो मैं किसी एक पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में जितने पहाड़ हैं यानी पहाड़ की पूरी जाति आ जा रही है, यानी पूरे पहाड़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, दूसरा है गांव। अगर हमने गांव कहा तो गांव में किसी एक गांव की बात नहीं हो रही है, दुनिया में जितने गांव हैं सभी गांव की बात हो रही है। अगर हमने गांव बोल दिया तो गांव की पूरी जाति आ जा रही है, यानी पूरे गांव के बारे में चर्चा हो रही, पूरे गांव के बारे में पता चल रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है लड़का, लड़का बोल दिया तो इसमें लड़के की पूरी जाति आ जा रही है, मतलब किसी एक लड़के के बारे में नहीं बात हो रही है। लड़का बोला तो दुनिया में जितने लड़के हैं सभी लड़के की बात हो रही है, यानी लड़के के पूरे जात के बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम लड़की कहते हैं तो किसी एक लड़की की बात नहीं हो रही है, दुनिया में जितनी लड़की है मतलब लड़की की पूरी जाति के बारे में पता चल रहा है। लड़की हमने कहा तो लड़की क्या है? एक संज्ञा है। और लड़की से जितनी लड़की है सभी लड़की के बारे में पता चल रहा है, यानी लड़की के पूरी जात के बारे में पता चल रहा है, इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला है मोबाइल। आपने मोबाइल कहा तो मोबाइल का मतलब क्या होता है? किसी एक कंपनी के बारे में नहीं बात हो रही है, दुनिया में जितनी मोबाइल है यानी मोबाइल की पूरी जात के बारे में बात हो रही है, इसीलिए मोबाइल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया। एक और उदाहरण है शेर। अगर हमने शेर कहा तो किसी एक शेर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसमें शेर की पूरी जाति आ जा रही है, तो इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आप इसको अपने नोटबुक में कैसे लिखोगे? मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख के रखा है और उदाहरण के साथ मैंने इसका परिभाषा भी लिखा है, तो आप लिख लेना। जिस शब्द से किसी जाति का पूरा ज्ञान हो, मतलब संज्ञा के उस शब्द से जिससे पूरे जाति का पता चले, है ना, पूरे जात के बारे में पता चले ज्ञान होता हो, या उसकी पूरी श्रेणी, मतलब किसी संज्ञा का नाम लोगे तो उसमें पूरा ग्रुप के बारे में हमें पता चलेगा, और वर्ग का ज्ञान हो तो उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा का एक नाम लोगे संज्ञा शब्द का जिसमें पूरी जाति के बारे में पता चलेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया। जैसे अपने लड़का कहा तो जिसमें लड़के की पूरी जाति आ जाती है, यानी पूरे लड़के के बारे में बात हो रही है, इसलिए वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो एक संज्ञा आपको समझ में आ गया रहेगा। बाद में मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो उससे आपका जो प्रॉब्लम है और भी आसान हो जाएगा, आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको आज अच्छे से समझ लो, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है फीलिंग, भावनाएं होती हैं। समझ में आ गया। लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं, तो जो भावनाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो मैं यहां पे लिखा हूं पहले आप उसको समझने की कोशिश करो। जिस शब्द से किसी वस्तु पदार्थ या प्राणी की दशा,
देखो भाववाचक में हमको दशा के बारे में मालूम पड़ता है। दशा क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, उसकी स्थिति, हमें स्थिति और दशा और भाव का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से यहां पे देखो, जिस शब्द से किसी वस्तु पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और उसका भाव का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जब आप उदाहरण समझोगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पे देखते हो बुढ़ापा, यहां पे लिखा है। बुढ़ापा क्या होता है बच्चों? बुढ़ापा एक दशा होती है, एक स्थिति होती है। एक उम्र के बाद हर कोई बुढ़ा हो जाता है। बुढ़ापा क्या होती है? एक स्थिति होती है, यानी एक समय के बाद हर कोई बूढ़ा हो जाता है ना। तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बचपन क्या होता है? बचपन क्या होता है बताइए ना। बचपन एक स्थिति होती है। बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ये क्या होती है? एक स्थिति होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ईमानदारी, ईमानदारी क्या होती है? एक भाव होता है लोगों की, एक फीलिंग होती है, ये ईमानदार है, ये बेईमान है। ईमानदार और बेईमान किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। यहां पे बात करें ताजगी, ताजगी क्या होती है? एक स्थिति होती है। जब सुबह उठते हो आपके चेहरे पे ताजगी होती है, आपकी स्थिति कैसी है? आप फ्रेश दिखाई दे रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। थकान, थकान क्या होता है? एक स्थिति होती है, आप थके हुए होते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम बात करें गुस्से के, गुस्सा भी क्या होता है? एक फीलिंग होती है, एक भाव होता है, तो गुस्से को किसके अंदर हम लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा के अंदर लिखेंगे। मैंने कहा ना, जब आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होना चाहिए। अगला हम समझते हैं तीसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब क्या होता है? पर्सन होता है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, यहाँ पे लिखा है विशेष, यानी किसी स्पेशल लोगों की बात हो रही है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का पता चलता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति की, यानी किसी पर्सन की, या किसी वस्तु यानी किसी थिंग की, या किसी स्थान या किसी प्लेस के बारे में पता चलता हो, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद क्या है? एक विशेष व्यक्ति है, है ना, एक महान व्यक्ति है। समझ में आ गया? तो इसलिए स्वामी विवेकानंद को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी क्या है? एक विशेष व्यक्ति है, काफी नाम है उनका, है ना, मैच खेलते हैं, नाम है, एक विशेष आदमी है, तो इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को कहां पे लिखा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा जाएगा। रामायण जो कि एक किताब है, वस्तु भी कह सकते हो, रामायण क्या है? एक विशेष किताब है, है ना, वस्तु के अंदर आता है, एक विशेष वस्तु है, एक किताब है, तो रामायण किसके अंदर जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर जाएगा। अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल एक स्थान है, ताजमहल क्या है? एक विशेष नाम है, इसलिए ताजमहल कहां पे जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। हिंद महासागर की बात करें तो एक विशेष नदी का नाम है। समझ में आ गया? जिसमें विशेष आता है, विशेष यानी कोई खास आदमी होता है, स्पेशल पर्सन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? अगला हम समझते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। समझ में आ गया? इसको आप समझो पहले, अब किताब में कैसे लिखोगे? जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के या समुदाय का पता चलता हो, यानी संज्ञा के उस शब्द से जिससे कि समुदाय यानी ग्रुप का पता चलता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ग्रुप यानी कि जैसे कि हम बात करें भीड़ कहते हैं। भीड़ का मतलब क्या होता है? पूरा एक समूह आ जाता है, पूरा ग्रुप आ जाता है। भीड़ को क्या कहेंगे? पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो उस भीड़ को क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी कि पूरे ग्रुप की बात हो रही है ना, भीड़ बोल दिया तो क्या हो गया? पूरा ग्रुप आ गया। अगर हम कहते हैं मेला, मेला में क्या होता है? भीड़ होती है, तो मेला किसके अंदर आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, गेहूं का ढेर, गेहूं का ढेर बोल दिया तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा गेहूं का ढेर है, समूह लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला देखते हैं, लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का बहुत गट्ठर पड़ा हुआ है, बंडल पड़ा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? समूह यानी कि पूरा ग्रुप आ रहा है, लकड़ी का पूरा ग्रुप आ जा रहा है उसमें,
ठीक है। भीड़, भीड़ तो मैंने आपको समझा दिया है। गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा हो, चाहे फूल का गुच्छा हो या चाबी का गुच्छा हो, तो क्या आ रहा है, समूह आ रहा है, यानी उसके अंदर पूरा ग्रुप आ रहा है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, धातु का मतलब होता है मेटल, समझ में आ गया। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या होता है, लिक्विड, जैसे कि पानी क्या होता है, द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, द्रव्य या नापतौल वाली वस्तुओं का पता चलता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु का यानी किसी मेटल के बारे में जानकारी मिलती हो, या किसी द्रव्य के बारे में यानी किसी लिक्विड के बारे में जानकारी मिलती हो, या किसी नापतौल करने वाली वस्तु के बारे में पता चलता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से आप समझो, यहां पे तांबा क्या है, तांबा, तांबा की एक धातु होती है, मेटल होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। सोना, सोना क्या होता है, एक द्रव्य होता है ना, मेटल होता है, धातु होता है, समझ में आ गया। तो सोना को कहां पे लिखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में लिखेंगे। फिर अगला है लोहा, लोहा क्या होता है, एक धातु होता है, तो मतलब जो धातु होते हैं, धातु किसके अंदर आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, ये सब किसके अंदर आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, क्योंकि ये सारे धातुएं जो होती है किसके अंदर आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हम बात करते हैं द्रव्य के अंदर, द्रव्य के अंदर यानी जो लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड है यानी द्रव्य है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आ गया, तो एक बार फिर से समझो, जिस संज्ञा शब्द से किसी के धातु के बारे में यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर धातु के बारे में भी पता चलता है, और द्रव्य के भी बारे में, धातु और द्रव्य दोनों किसके अंदर जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जाएंगे। समझ में आ गया, तो ये था संज्ञा का भेद, अच्छे से समझ लेना, अपने किताब में लिख लेना, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।